तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ साउथ की 8 बेहतरीन एक्शन और सस्पेंस थ्रिलर पर बनी फिल्में, जो शुरू से लेके एंड तक आपको देखने के लिए मजबूर कर देती है। दोस्तों, आज की ये वीडियो काफी धमाकेदार और एंटरटेनिंग होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो की सभी फिल्में एक से बढ़कर एक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज के इस वीडियो की सभी फिल्में आपको हिंदी में यूट्यूब पर ही देखने को मिल जाएगी। मगर दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना, इनमें से कुछ फिल्में ऐसी है जो अनऑफिशियली अवेलेबल है, तो कॉपीराइट की वजह से वो कभी भी रिमूव हो सकती है। तो आप जल्द से जल्द देख लीजिएगा। और अगर आप साउथ की ऐसी ही दमदार फिल्में देखना पसंद करते हैं, तो प्लीज वीडियो को अभी से एक लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही बेहतरीन फिल्मों की जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नंबर 8 पर आती है 2018 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की एक बेहतरीन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वाली फिल्म, शैलजा रेड्डी अल्लूडु। इस फिल्म को हिंदी में सुपरहिट जमाई के नाम से रिलीज किया गया था, और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में नागा चैतन्य, अनु इमानुएल और राम्या कृष्णन के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी में दिखाया गया है कि एक लापरवाह नौजवान चैतू को एक घमंडी लड़की अनु से प्यार हो जाता है। हालांकि उसे अनु से शादी के लिए उसकी अहंकारी माँ को मनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दोस्तों, अब आगे कहानी में क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। तो अगर आपको रोमांटिक कॉमेडी वाली फिल्में देखना पसंद है, तो फिल्म की लिंक आपको नंबर 8 पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5.1 आउट ऑफ 10 थी, और 85% गूगल यूजर्स द्वारा इस फिल्म को पसंद किया गया था। नंबर 7 पर आती है 2017 में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की एक ड्रामा थ्रिलर वाली फिल्म, चेन्नईल ओरुनाल। इस फिल्म को हिंदी में 24 घंटे इन चेन्नई के नाम से रिलीज किया गया था, और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में आर शरद कुमार और सुहासिनी के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी में दिखाया गया है कि सुंदर पांडियन एक पुलिस अधिकारी है, जो पूरे शहर में लगाए जा रहे खतरनाक पोस्टरों के रहस्यों की जाँच करता है। साथ ही वो अपनी एडॉप्टेड बेटी को मिलने वाली धमकियों के बारे में भी पता लगाने की कोशिश करता है। दोस्तों, अब आगे कहानी में क्या होता है ये जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हैं। तो अगर आपने इस मूवी को मिस कर दिया है, तो फिल्म की लिंक आपको नंबर 7 पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 4.1 आउट ऑफ 10 थी, और 61% गूगल यूजर्स द्वारा इस फिल्म को पसंद किया गया था। और उसके बाद नंबर 6 पर आती है 2021 तमिल लैंग्वेज की एक एक्शन क्राइम वाली फिल्म, चेसिंग। इस फिल्म की मुख्य भूमिका में वारालक्ष्मी शरद कुमार के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी में दिखाया गया है कि एक बहादुर पुलिस अधिकारी एक लड़की को अपहरण होने से बचाती है। हालांकि वह और उनकी टीम जब जांच करती है, तो वह एक ड्रग माफिया की ओर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, अब आगे कहानी में क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं, तो यह मूवी अनऑफिशियली अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको नंबर 6 पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 4.6 आउट 10 थी, और 58% गूगल यूजर्स द्वारा इस फिल्म को पसंद किया गया था। और उसके बाद नंबर 5 पर आती है 2022 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की एक हिस्ट कॉमेडी वाली फिल्म, F3। इस फिल्म की मुख्य भूमिका में वेंकटेश दग्गुबाती, वरुण तेज, तमन्ना और मेहरिन पीरजादा के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी में दिखाया गया है कि वेंकी और वरुण सामान्य जीवन वाले साधारण लोग है, और उनका संघर्ष पैसों को लेकर होता है। हालांकि एक दिन वे एक अमीर बिजनेसमैन के बारे में सुनते हैं, जो अपने अधिकारी की तलाश में होते हैं। दोस्तों, अब आगे कहानी में क्या होता है ये जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हैं। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं, तो यह मूवी अनऑफिशियली अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको नंबर 5 पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 4.8 आउट ऑफ 10 थी, और 81% गूगल यूजर्स द्वारा इस फिल्म को पसंद किया गया था। और उसके बाद नंबर 4 पर आती है 2021 में रिलीज हुई मलयालम लैंग्वेज की एक मिस्ट्री थ्रिलर वाली फिल्म, इरुल। इस फिल्म की मुख्य भूमिका में फहद फासिल, सोबिन शाहिर और दर्शना राजेंद्र के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी में दिखाया गया है कि एलेक्स और अर्चना एक जर्नी पर जाते हैं, और जल्दी उनकी कार खराब हो जाती है। हालांकि चीजें अलग मोड़ तब लेती है, जब वो पास ही के घर में शरण लेते हैं। दोस्तों, अब आगे कहानी में क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। तो अगर आपने इस मूवी को मिस कर दिया है, तो फिल्म की लिंक आपको नंबर 4 पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8 आउट ऑफ 10 थी, और 58% गूगल यूजर्स द्वारा इस फिल्म को पसंद किया गया था। और उसके बाद नंबर 3 पर आती है 2021 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज एक बेहतरीन रोमांटिक ड्रामा थ्रिलर वाली फिल्म, नो पार्किंग।
इस फिल्म की मुख्य भूमिका में सुशांत और मीनाक्षी चौधरी के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात करें फिल्म की कहानी की तो फिल्म की कहानी में दिखाया गया है कि जिसे अपने साथ काम करने वाली एक लड़की से प्यार हो जाता है। हालांकि कहानी में चीजें तब बदल जाती है जब वो अपनी बाइक को नो पार्किंग जोन में पार्क करता है, जिसके चलते वो एक प्रॉब्लम में फंस जाता है। दोस्तों फिल्म की कहानी काफी अच्छी है जो आपको आखिर तक इम्प्रेस करने में कामयाब होती है। तो अगर आपने इस मूवी को मिस कर दिया है तो यह मूवी अनऑफिशियली अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको नंबर 3 पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म की IMDb रेटिंग 5.7 आउट ऑफ 10 थी और 85% गूगल यूजर्स द्वारा इस फिल्म को पसंद किया गया था। और उसके बाद नंबर 2 पर आती है 2018 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की एक एक्शन और हिस्ट वाली फिल्म पैंथम। इस फिल्म की मुख्य भूमिका में गोपी चंद और मेहरीन पीरजादा के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात करें फिल्म की कहानी की तो फिल्म की कहानी में दिखाया गया है कि विक्रांत सुराणा एक हाईटेक चोर होता है जो भ्रष्ट राजनेताओं पर कई रॉबरीज करता है। हालांकि जब वह गृह मंत्री जयेंद्र के घर को लूटता है तो जयेंद्र उसे ट्रैक करने के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करता है। दोस्तों आगे कहानी में क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। दोस्तों फिल्म की कहानी काफी अच्छी है जो आपको आखिर तक इम्प्रेस करने में कामयाब होती है। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये मूवी अनऑफिशियली अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको नंबर 2 पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म की IMDb रेटिंग 6 आउट ऑफ 10 थी और 93% गूगल यूजर्स द्वारा इस फिल्म को पसंद किया गया था। और उसके बाद नंबर 1 पर आती है 2021 में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की एक बेहतरीन एक्शन ड्रामा वाली फिल्म डॉक्टर। इस फिल्म की मुख्य भूमिका में शिव कार्तिकेयन और प्रियंका मोहन के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात करें फिल्म की कहानी की तो फिल्म की कहानी में दिखाया गया है कि एक मिलिट्री डॉक्टर की मंगेतर की भतीजी का अपहरण कर लिया जाता है, जिसे ढूंढते समय उसे गोवा में एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले के बारे में पता चलता है। बाद में वो अपराधियों को पकड़ने के लिए एक जटिल प्लान बनाता है। दोस्तों अब आगे कहानी में क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। दोस्तों फिल्म की कहानी काफी अच्छी है जो आपको आखिर तक देखने के लिए मजबूर कर देती है। तो अगर आप इसमें देखना चाहते हैं तो यह मूवी अनऑफिशियली अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको नंबर 1 पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म की IMDb रेटिंग 7.7 आउट ऑफ 10 थी और 92% गूगल यूजर्स द्वारा इस फिल्म को पसंद किया गया था। दोस्तों तो यही थी साउथ की वो बेहतरीन 8 फिल्में। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने इनमें से किसी फिल्म को पहले से देखा हुआ है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर दीजिए कि आपको इनमें से कौन सी मूवी सबसे अच्छी लगी, ताकि हमारे दूसरे व्यूअर्स भी इसके बारे में जान पाए। और आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।